चलिए आगे बढ़ते हैं, राकेश अरोरा को अपनी बातचीत में जोड़ते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल पे अपना व्यू देने के लिए। राकेश गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक बहुत अच्छे दिन हमसे जुड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई से पहुंच गया है, निफ्टी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, यहां से क्या लग रहा है आपको, एक नए मोमेंटम की शुरुआत नजर आती है? ऐसा लग तो रहा है क्योंकि रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आए हैं और जो ग्लोबल वरीज थी वो भी थोड़ी कम होती नजर आ रही है, जैसे कि डेट सीलिंग पे जो मुद्दा बना हुआ था, हालांकि ज्यादा लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये ब्लो आउट होगा, तो वो भी सॉल्व होता नजर आ रहा है। और तो मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी एक्सटेंड कर सकती है। साल के शुरुआत में जरूर इंडिया से काफी पैसा बाहर गया था क्योंकि उस समय चाइना इकोनॉमी रीओपन हो रही थी, बट अब लोगों को लग गया है कि इंडिया ही बेटर इकोनॉमी है आज की तारीख में, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो बेस्ट रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि वो पैसा वापस लौट के भी आ रहा है, और साथ में अगर हम देखें तो जो बैंक से फाइनेंशियल सेक्टर है वो चलने के बावजूद भी वैल्यूएशन काफी ठीक लग रहे हैं, और आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन काफी करेक्शन हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ले दे के यहाँ से थोड़ी और तेजी बन सकती है। अभी निवेशकों को बने रहना चाहिए आई थिंक मार्केट में। मैं खास तौर पे आपसे रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि वो दोनों जुड़े हुए सेक्टर हैं, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। अब अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, एक तो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट भी इतने अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है इन्होंने, तो अगर रेट्स यहाँ से नीचे आते हैं, घटते हैं, तो क्या यहां से भी हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट स्टॉक्स को खरीदना चाहिए? रियल एस्टेट की रैली जो है वो काफी सालों बाद आई है और अभी इंटरेस्ट रेट पीक आउट भी हो गए, तो उससे अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर में। और जब से ये रेरा का नियम कानून आए हैं उसके बाद से काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है इंडस्ट्री के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट कंपनीज का जो सेल्स मोमेंटम है वो अभी भी बरकरार है, और अगर जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मुझे लगता है कि ये और रफ्तार पकड़ सकता है, तो रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रह सकता है इस साल के लिए जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अगर रियल एस्टेट डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी ये अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि बिना लोन के अधिकतर मकान तो बिकते नहीं है। राइट राकेश मॉर्निंग, एनबीएफसीज वर्सेस बैंक्स, ये ऑफकोर्स ये एक सिनेरियो, ये थीम काफ़ी पसंद भी आ रही है बाजार को, और आप अगर देखें एनबीएफसीज ने पिछले 15 महीने में इतना खास परफॉर्म नहीं भी किया था, लेकिन अब बैंक्स के ऊपर उन्हें प्रिफर किया जा रहा है। अगर आप इस स्पेस पे अपना व्यू बता सकें हमें, अगर बुलिश व्यू आपका, तो क्या बड़े ट्रिगर्स आप देख रहे हैं? ऑफकोर्स यहाँ इंटरेस्ट रेट पीक आउट होना ये तो एक सिनेरियो है ही, असेट क्वालिटी और दूसरे कौन से बड़े ट्रिगर हो गए और कहाँ फोकस एरिया आपका होगा? देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो क्रेडिट ग्रोथ का तो प्रॉब्लम था नहीं, केवल डिपॉजिट ग्रोथ का प्रॉब्लम था, और हो सकता है ये जो 2000 की नोटबंदी करी है उससे डिपॉजिट ग्रोथ भी थोड़ा पिकअप हो जाए। तो और वैल्यूएशन जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी भी एक एवरेज जो वैल्यूएशन हमने देखा है पिछले 5-7 सालों में वहीं पे ही है, तो इतना कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं हो गए स्टॉक, और तो एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, एनपीए साइकिल बॉटम पे है, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल ठीक है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तो वहां पे नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है जहां पे इस साल काफी एग्जीक्यूशन और पिकअप होने की उम्मीद है क्योंकि 2024 में जो रियल एस्टेट जनरल इलेक्शन है तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी काफी तेजी रहने वाली है। और इसी तो अगर थोड़ा सा और आगे देखें तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर भी एक है जहाँ पे कि काफी कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, कोयले की प्राइसेस काफी गिर चुकी हैं और वहां पे अभी हालांकि सीमेंट प्राइसेस उतना नहीं बढ़ रहे लेकिन मार्जिन एक्सपांशन आने की उम्मीद है और डिमांड स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, तो मुझे लगता है इंफ्रा, सीमेंट, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट ये सारे सेक्टर अच्छे लग रहे हैं 2024 के लिए। सीमेंट में आप क्या लेंगे? एक तो लार्ज कैप यूनिवर्स है, अल्ट्राटेक, अंबुजा वाला, ग्रासिम, और मिड टीयर जो है जो जिनको बायआउट कैंडिडेट्स की तरह भी देखा जाता है, आप मिड एंड स्मॉल लेंगे या लार्ज कैप इंडस्ट्री लीडर्स को ही लेंगे सीमेंट में? देखिए मेरी प्रेफरेंस तो लार्ज कैप के लिए है क्योंकि लार्ज कैप ही है जो इनके पास प्राइसिंग पावर है और वो लोग बेटर मार्जिन करेंगे, बेटर ग्रोथ करेंगे, तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स के साथ ही टिके रहना चाहिए।
ये स्मॉल कैप में जो अगर बीच बीच में आता है कि वैल्यूएशन कम है और बिक जाएंगे, आई थिंक ये स्टोरी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, मतलब हो सकता है 5-5 साल कुछ ना हो, तो वहां पे फंसने से बेटर यही होगा कि लार्ज कैप पे फोकस करें जहां पे प्राइजिंग पावर भी है और वॉल्यूम ग्रोथ भी हो रही है। लार्ज कैप पे आप फोकस करने की बात करें, स्पेसेस काफी सारे स्ट्रॉन्ग हैं, डिफेंस इनके पास बड़े ट्रिगर्स हैं स्पेस में, हमें बुलिश रहने के लिए इस पूरे सेक्टर पर। लेकिन फिर भी वैल्यूएशन के लिहाज से अगर की स्पेसेस की बात करें, चाहे इंफ्रा हो, डिफेंस हो, आपको कहाँ पर अब भी फेयर वैल्यूएशन दिखती है? देखिए डिफेंस तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन मार्केट अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि अगर जब देखा जाए पैट ग्रोथ 40-50% चल रही है, तो अगर स्टॉक 50-60 टाइम पीई पे भी है तो 2-3 साल में नॉर्मलाइज हो जाती है वैल्यूएशंस। तो हालांकि डिफेंस काफी महंगा लग रहा है, बट बाकी जो सेक्टर हमने बात करी है वो सब रीजनेबल वैल्यूएशन पे ही है, भले इंफ्रा ले लें या सीमेंट ले लें या बैंकिंग ले लें या रियल एस्टेट, इनके वैल्यूएशन उतने ज्यादा बड़े भी नहीं लग रहे, जो पिछले सालों का जो रुझान देखा गया उसके मुकाबले वही चल रहे हैं, ऑन एवरेज पे ही है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसरी में कुछ ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में? स्टॉक स्पेसिफिक तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट जनरली जैसा ये जो सेक्टर्स अभी मैं बात कर रहा था वहीं पे ही मोस्टली मैंने खुद भी ऐड किया और वहीं पे मैं राय दे रहा हूँ। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। राकेश अरोड़ा बता रहे थे कि कौन से एरियाज में उनका इंटरेस्ट है और ये साल कहाँ पे पैसा बनेगा। सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनकी खास रुचि है और साथ में बैंक्स, लेंडर्स और रियल एस्टेट। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखिए तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी नजर आ रही है, और जब रियल एस्टेट चलता है तो उसके आसपास की हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सीमेंट कंपनीज, सबके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए।